नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंगी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 5th ऑफ सितंबर। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज है हैप्पी टीचर्स डे, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको यहाँ पर देते हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे डिटेल्स के साथ साथ उन सभी न्यूज के कि किस तरीके से आप एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल्स के साथ साथ एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। जो पहली बार हमारे चैनल पर यहाँ पर जुड़ा है, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि यहाँ पर हम आपको डेली अपडेटेड न्यूज दोस्तों देते रहते हैं शॉर्ट्स के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन की पहली न्यूज बिना किसी देरी के। नागालैंड बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू इनिशिएट आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों नागालैंड पहला ऐसा बेसिकली स्टेट बनाया हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंडिया का, जो कि आधार लिंक बर्थ सर्टिफिकेट सिस्टम यहाँ पर चालू करा है। एक बहुत ही पायनियर स्टेप है जो कि यहाँ पर लिया गया है नागालैंड के द्वारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है जो कि फोकस करेगा बर्थ रजिस्ट्रेशन के ऊपर आधार एनरोलमेंट के साथ, जो कि बच्चों की उम्र 0 से लेकर 5 साल की रहेगी। तो मतलब जो बच्चे पैदा हुए जब तक 5 साल के हो जाते, तो वहां पर बर्थ रजिस्ट्रेशन बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ उनका आधार भी एनरोल होगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यू बॉर्न इन्फेंट्स जो होते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली किया जाएगा इस इवेंट के दौरान। और यहाँ पर ये जो कमेंसमेंट है वो कमिश्नर टी महेंबो याथन के द्वारा यहाँ पर लिया गया है स्टेप। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखें। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने ये इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है, तो ये हो जाएगी नागालैंड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। ऑलरेडी दोस्तों ये जो इंश्योर किया गया है कि ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, ये सारी चीजें इसको यहाँ पर क्या करेगा, नोडल मिनिस्ट्री रहेगा इसका। जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है उसको यूआईडीआई इकोसिस्टम के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई है डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की, तो नागालैंड में इनका नाम यहाँ पर क्या हो जाता है, तो एन अनगोमी। ठीक है, एन अनगोमी यहाँ पर इनका नाम हो जाता है। जस्ट आप लोग अपने नॉलेज के तहत इसे याद रखना, इतने डेप्थ में क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अमंग द फॉलोइंग विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिकम्स फर्स्ट टू इनिशिएट आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन, तो करेक्ट हो जाएगा नागालैंड। दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हम ना केवल करेंट अफेयर्स बल्कि स्टैटिक न्यूज को भी लेकर चलते हैं, ताकि आपकी 360 प्रिपरेशन होती रहे, है ना। अब क्या होगा, आपको करना है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दौरान आप इसके बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप वापस से वापस डिटेल पढ़े। हम वहां पर उस टाइम स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्डवर्क का टाइम हमारे पास उस टाइम नहीं रहेगा। हार्डवर्क करने का टाइम है जब आप प्रिपरेशन फेज में होते हैं, लेकिन जब आप रिविजन फेज में होते हैं तब आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। तो उसलिए आपके जो अभी आप बुलेट पॉइंट बना रहे हैं वो उस टाइम काम आएंगे, और आपको आपके नोट सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। एक दोस्तों बेसिकली अपॉइंटमेंट है, तो आनंद महिंद्रा जी ने एमएस धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स के लिए यहाँ पर एम्बेसडर चुना है। ठीक है, तो महिंद्रा वेलकम्स एमएस धोनी एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर्स, सेइंग देयर पाथ्स वर मेंट टू क्रॉस, राइट। तो यहाँ पर बहुत ही बड़े जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा, इन्होंने स्वराज ट्रैक्टर्स के लिए एम्बेसडर यहाँ पर बनाया है किसे, एमएस धोनी जी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मैं एमएस धोनी की बात करूँ तो दोस्तों रांची से बिलोंग करते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत फैन है यहाँ पर हमारे धोनी जी के। रांची में इनका जन्म हुआ, और यहाँ पर ये वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग जर्नीज के साथ स्पोर्ट्स में हिस्ट्री बनाई इन्होंने अपनी। ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन आज की डेट में, और इन्होंने यहाँ पर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो 2 बार यहाँ पर T20I फॉर्मेट्स और ODI फॉर्मेट्स में यहाँ पर जीता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2011 के वर्ल्ड 2007 का वर्ल्ड कप ICC ODI, 2011 का वर्ल्ड कप और फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2013, ये हमने यहाँ पर खिताब सारे जीते हैं। अब बात करते हैं स्वराज ट्रैक्टर्स की। तो स्वराज ट्रैक्टर जो है वो इंडियन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा मोहाली पंजाब में, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1974 में। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, काफी वाइड वैरायटीज ऑफ ट्रैक्टर्स यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। 1000 से भी ज्यादा डीलरशिप नेटवर्क है इनके पास ऑल ओवर इंडिया में, और यहाँ पर ये एक्सपोर्ट करते हैं अपने ट्रैक्टर्स को 30 और
दूसरी कंट्रीज में, तो काफी वाइड इनका क्या है बिजनेस यहाँ पर फैला हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आनंद महिंद्रा वेलकम्स डैश एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर्स, तो करेक्ट हो जाएगा MS धोनी। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 3 के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। वायाकॉम 18 क्रिएट्स मोनोपोली विंस बिड ऑफ 5 इयर्स एट 5963 करोड़। बेसिकली यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इन्होंने मीडिया राइट्स दिए वायाकॉम 18 को, ठीक है, वो भी आगे 5 साल के, पूरी तरीके से बिड उन्होंने यहाँ पर जीत ली है। पूरी बात करते हैं हम इसके बारे में। वायाकॉम 18 रिलायंस ओन मीडिया आउटलेट है जो कि यहाँ पर एक विक्टोरियस ऑक्शन में सारे राइट्स जीत चुका है। BCCI ने होस्ट करने की जो जिम्मेदारी दी है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वो इस बेसिकली मीडिया आउटलेट को दी है वायाकॉम 18। द ऑक्शन टुक प्लेस ऑन August 31st एंड द सिग्निफिकेंट एक्विजिशन कॉम्प्लीमेंट्स वायाकॉम 18 एग्जिस्टिंग डिजिटल राइट्स फॉर द IPL FIFA वर्ल्ड कप राइट्स इन इंडिया, राइट। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग के लिए जानना दोस्तों। बेसिकली यहाँ पर जो बेस प्राइस सेट की गई है BCCI के द्वारा वो पर मैच 20 करोड़ है टीवी के लिए और डिजिटल राइट के लिए पर मैच 25 करोड़ यहाँ पर लगाई गई है। टोटल यहाँ पर करीबन 4000 करोड़ के लमसम यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। तो वायाकॉम 18 ने जो डिजिटल राइट्स लिए वो अप्रोक्सीमेटली 3100 करोड़ में यहाँ पर लिए हैं और जो टीवी के राइट्स लिए हैं वो करीबन 2800 करोड़ में लिए हैं अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पर कंबाइन अगर डील अगर आप करोगे प्लस करोगे इनको कंबाइन तो ये 5936 यहाँ पर करोड़ आपको देखने को मिलेगा। BCCI के सेक्रेटरी कौन है, जय शाह जी हैं, आपको पता है ये तो बात, ये तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना से आपको ध्यान रखना है कि किसे मीडिया आउटलेट, कौन से मीडिया आउटलेट, कौन सी कंपनी मीडिया आउटलेट को यहाँ पर ये राइट्स मिले हैं वायाकॉम 18। तो डैश सिक्योर्स BCCI टीवी एंड डिजिटल मीडिया राइट्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर डील वर्थ ₹5963 करोड़, तो करेक्ट हो जाएगा वायाकॉम 18। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 4 के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट। इंडिया लार्जेस्ट होम बिल्ड न्यूक्लियर प्लांट स्टार्ट्स ऑपरेशन सेज PM मोदी कॉल्स इट्स अ माइलस्टोन। दोस्तों हमारे इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मेरा यही आ जाता है आप मेरे दिमाग में आप लोगों से पूछने के लिए कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, वैसे मैं बता दूँ आप लोगों को गुजरात में है, ठीक है, और यहाँ पर उसके ऑपरेशंस शुरू हो चुके हैं। तो इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज एनर्जी सेक्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड दैट द 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन काकरापर गुजरात द ऑपरेशन हैज स्टार्टेड एंड इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियाज क्वेस्ट फॉर एनर्जी सेल्फ सफिशियंसी, राइट। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि ये जो होम बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट है इसने अपना ऑपरेशन यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है और दोस्तों ये पूरे दिन में 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर यहाँ पर जनरेट करेगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत है उसको बढ़ाएगा बेसिकली, है ना, गुजरात में सिचुएटेड है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब आता है स्टैटिक के बारे में, चेयरमैन और MD कौन है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के NPCIL जिसे बोलते हैं उसके चेयरमैन और MD का नाम क्या हो जाएगा, तो उसके चेयरमैन और MD का नाम हो जाएगा BC पाठक जी, ठीक है, इसे आप क्या करेंगे ध्यान रखेंगे। तो इंडियाज लार्जेस्ट होम बिल्ड न्यूक्लियर प्लांट स्टार्ट्स ऑपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, दैट इज गुजरात। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 5 के ऊपर, हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भादरवा राजमा और हनी सुलाए हनी रामबान सुलाए हनी इसे GI टैग मिला है जम्मू एंड कश्मीर का। दोस्तों अगर आप कभी जम्मू एंड कश्मीर जाए वहां पर राजमा चावल और घी ये तो जरूर ट्राई करें, मोस्टली पठानकोट का, ठीक है, पठानकोट नहीं था उस जगह का नाम कुछ और था यार मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ पी से ही नाम था, है ना, अभी याद आएगा तो जो बैक ऑफ द हेड मेरे को रिमेम्बर करना पड़ेगा, अभी याद आएगा तो आई विल टेल यू, ठीक है। तो यहाँ पर उसका राजमा जरूर टेस्ट करिएगा और हनी की तो खैर मैंने टेस्ट नहीं किया था बट बोलते हैं कि काफी अच्छा है यहाँ पर। तो इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ रीजन राजमा एंड सुलाई हनी बोथ हीलिंग द पिक्चरस्क्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ डोडा एंड रामबन, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर का, इसको GI टैग यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। GI टैग आपको पता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होते हैं, जो चीज जहाँ की फेमस होती है उसका GI टैग उसे दिया जाता है, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी उसका मिसयूज ना कर पाए, ठीक है, और गलत सलत बोलकर चीजें ना बेच सके। GI टैग में अपने एक यूनिकनेस फीचर होता है कि जो चीज जहां की अच्छी है उसको वहीं से मंगवाया जाए और खाया जाए। आज अगर हम बोलते हैं कि हमें मैंगो खाने हैं, अल्फेंजो आम खाने, हम गुजरात के ही खाएंगे।
अगर आज हमें, मान लीजिए एप्पल खाना हम हिमाचल का ही खाएंगे, अगर आज हमें रसगुल्ला खाना है हम कोलकाता का ही खाएंगे, तो दोस्तों उस नाम से आज हमें सबसे ज्यादा मिर्ची वाली मिर्ची खानी है तो हम नागा झोलकिया की ही खाएंगे, नागालैंड की झोलकिया, भूत झोलकिया जिसे बोलते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, जीआई टैग से अलग फीचर इनमें आ जाता है, अलग इनको स्पेसिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको इधर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फार्मर्स वेलफेयर कौन है जम्मू एंड कश्मीर में, तो के शर्मा जी हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दो चीजों को जीआई टैग दिया गया है, तो यहाँ पर जीआई टैग, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया यार, ये क्वेश्चन कुछ और यहाँ पर लगा दिया, चलिए कोई बात नहीं। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर राजमा और हनी के लिए किसे चुना गया है, कौन से स्टेट को और या यूनियन टेरिटरी को, तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर हो जाएगा, इसे ठीक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 6 के ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 सही है ना, तो हाफवे थ्रू हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यस बैंक गोज लाइव विद यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी ऑन सीबीडीसी, राइट। तो यहाँ पर यस बैंक जो है बेसिकली उसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के साथ एक अनाउंसमेंट करी है कि वो यूपीआई, मतलब यहाँ पर जो इंटर ऑपरेबिलिटी है उसे यहाँ पर चालू कर रहे हैं, ठीक है। पूरी बात देख लेते हैं क्या है ये, और ये बैंक क्या क्या आगे और क्या क्या खोल रहा है, क्या क्या चाहता है, उन सारी बात करेंगे, क्योंकि बैंक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो यस बैंक अनाउंस अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द डिजिटल करेंसी स्पेस बाय लॉन्चिंग यूपीआई इंटर ऑपरेबिलिटी ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सीबीडीसी। दिस मूव इज पॉइज टू रेवोल्यूशनाइज डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड एक्सपेंड द रीच ऑफ डिजिटल रुपी अक्रॉस द नेशन। दोस्तों ऑलरेडी आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई रूपी यहाँ पर लॉन्च किया था, अब ई रूपी किस तरीके से सर्कुलेट होगा उसका जिम्मा लिया है यस बैंक ने। यस बैंक बोल रहा है कि मैं ई रूपी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने के लिए एक सिस्टम यहाँ पर शुरू करूंगा, वो भी यूपीआई के थ्रू ही, जैसे हम नॉर्मल पैसा इधर उधर करते वैसे ई रूपी भी होगा, और उस तरीके से यूपीआई के थ्रू ही इसकी डिमांड और सप्लाई को मैच करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से नॉर्मल रुपए के लिए, जो हमारे बैंक में नॉर्मल रुपया पड़ा है उसके लिए भी हम जो क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं, उसी तरीके से एक क्यूआर कोड यहाँ पर यूपीआई के थ्रू बनाया जाएगा जो कि ई रूपी को यहाँ पर क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। आगे बात समझ में, ये पूरा जिम्मा लिया है यस बैंक ने, ये आपको इधर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, पूछ लेगा डायरेक्टली कि बताओ कौन सी बैंक यहाँ पर आई है, तो यस बैंक हो जाएगा। तो अमंग द फॉलोइंग विच कमर्शियल बैंक गोज लाइव विद यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी ऑन सीबीडीसी, तो करेक्ट होगा यस बैंक। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7, एक इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों, वर्ल्ड कोकोनट डे। तो यहाँ पर वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर 2 को, ठीक है, 2 सितंबर को, और बेसिकली इस दिवस को मनाया जाता है ताकि जो कोकोनट है उसकी स्पेसिफिकेशंस और वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज हम समझ सकें। दोस्तों आज नारियल से बहुत कुछ होता है, हर शुभ काम करने से पहले घर में नारियल आता है, ठीक है। अगर मोस्ट ऑफ दी आप देखोगे कोकोनट खाने के, मतलब जो एडिबल ऑयल है उसमें भी कोकोनट ऑयल यूज होता है, स्किन हेल्थ केयर सबके लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इन इंडिया तमिलनाडु कर्नाटका केरला वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश आर द मेन स्टेट्स ऑफ टू ग्रो कोकोनट्स, राइट। इवन जो साउथ के लोग हैं दोस्तों उनके तो मतलब वो कोकोनट ऑयल को या कोकोनट्स को ऐसे यूज करते हैं जैसे कोई डेली गो टू गो प्रोडक्ट है। अब ये नॉर्थ इंडियंस वाले इतना नहीं करते हैं यूज, आई बात समझ में। तो यहाँ पर जहाँ पर जिसकी मतलब आपको पैदावार ज्यादा है, सस्ते मिलते हैं वहां पे, तो पीपल यूज कोकोनट्स आर वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फ्रूट्स इन इंडिया। द कोकोनट और द कंट्री प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ कोकोनट एवरी ईयर एंड देयर आर हेल लॉट ऑफ रेंज ऑफ डिशेस अक्रॉस इंडिया मेड और कुक बाय कोकोनट, राइट। तो आपको बहुत ही न्यूट्रिशियस है हेल्थ के लिए भी और यहाँ पर बहुत बेनिफिट्स है कोकोनट्स के। अगर कोकोनट ऑयल की बात करो, हेल्थी ऑल्टरनेटिव है ये, ठीक है। उसी के साथ कोकोनट वाटर इज ऑल्सो अ वेरी गुड बेवरेज अगेन, इवन इवन हमारे डेली डे टू डे, मेरी फैमिली की बात करूँ, मेरे फैमिली की डे टू डे रूटीन में एक बार, दिन में एक बार हम सब फैमिली मेंबर्स कोकोनट वाटर का कंजम्पशन जरूर लेते हैं। तो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, राइट, इवन गुड फॉर आईज स्किन हेयर एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए गए हैं कोकोनट की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, एक सस्टेनेबल कोकोनट फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया गया है, ठीक है, न्यू कोकोनट प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशंस को प्रमोट किया गया है। तो ये बात आपको इधर ध्यान रखनी पड़ेगी, हालांकि कोई थीम नहीं है तो ज्यादा आपको काम नहीं है, थीम याद नहीं करनी, सिर्फ ये ध्यान रखना वर्ल्ड कोकोनट डे को सेलिब्रेट किया जाता है 2 सितंबर को। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 के ऊपर, तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की है जिसको हेड करेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, ठीक है।
ये पॉसिबल करने के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला हिसाब है ना, उसके लिए ऑलरेडी दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारी गवर्नमेंट का एक सपना है वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक ही नेशन है, अगर मान लो एक ही इंडिया में एक ही बार इलेक्शन हो, ठीक है, जितना भी लोकसभा के हमारे इलेक्शन है एक साथ हो जाए, सॉरी लोकसभा नहीं राज्यसभा के, और खत्म हो जाए काम, ठीक है। तो उसके लिए कमेटी यहाँ पर फॉर्म की गई है, उसको हेड करेंगे रामनाथ कोविंद जी। और ये जो पार्लियामेंट्री सेशंस रहेगा ये 18 सितंबर से 22 सितंबर तक को देखने को मिलेगा, जो कि इस पर्पस पर सारी बातचीत करेगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन इज अ कंसेप्ट एम्ड एट सिंक्रोनाइजिंग इलेक्शंस फॉर द लोकसभा ऑल द स्टेट्स ऑफ असेंबलीज एंड द सेंट्रल आइडिया टू होल्ड दीज इलेक्शन साइमल्टेनियसली ईदर ऑन अ सिंगल डे और विद इन द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, राइट। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि अलग 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 इलेक्शंस होते हैं हर जगह स्टेट्स में, एक ही कर दो उनको, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी 18 से 22 सितंबर के ऊपर। ये कमेटी जो फॉर्म की गई है उसके हेड यहाँ पर कौन हो जाएंगे, रामनाथ कोविंद जी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर, एक रिपोर्ट और इंडिसेस है दोस्तों। यहाँ पर मूडीज ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को एस्टिमेट किया 2023 के लिए 6.7%। तो दोस्तों यहाँ पर मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के हिसाब से इंडिया की 2023 की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो 6.7% रहेगी। प्रीवियसली इन्होंने 5.5% यहाँ पर एस्टिमेट किया था, अब उसे बढ़ाकर 6.7% कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी 2023 के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स थे उसमें 7.8% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है जीडीपी में। दोस्तों जीडीपी मतलब हो जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब आपकी कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर कहलाती है जीडीपी, ठीक है। और उस जीडीपी को अगर आप टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो तो वो बन जाता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ साथ जीडीपी दो तरीके से कैलकुलेट होता है, एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी। हम हमेशा जो फिगर्स मेंटेन करते हैं, गवर्नमेंट जो फिगर्स मेंटेन करती है वो रियल जीडीपी के ऊपर करती है, क्योंकि रियल जीडीपी में एक बेस ईयर होता है उसके हिसाब से सारी चीजों के प्राइस यहाँ पर लगाए जाते हैं, और बेस ईयर होता है 2011-12, ये बेस ईयर है, ठीक है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी का मतलब यहाँ पर होता है जो अभी के टाइम पे करंट वैल्यू जो चल रही है उसके हिसाब से सारी चीजें करना। लेकिन जो आपको फिगर्स देखने को मिलेंगे सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पर, वो आपको रियल जीडीपी के हिसाब से मिलेंगे, मतलब एक बेस ईयर को लेकर ये लोग चलते हैं। तो मूडीज अपग्रेड्स इंडिया 2023 जीडीपी फोरकास्ट टू करेक्ट हो जाएगा 6.7%। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी यहाँ पर दोस्तों, डिमाइस की न्यूज है, ऑर्बिचरी है। बहुत ही जाने माने कॉमेडियन और एक्टर आर एस शिवाजी, इनका देहांत हो गया 67 साल की उम्र में, 66 ईयर्स में, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही सोबर मोमेंट था और इंडियन सिनेमा के लिए, बहुत ही जाने माने एक्टर कॉमेडियन, जैसे मैंने आपको बताया उनकी चेन्नई में डेथ हो गई, और उन्होंने अपने जोक्स को, अपनी जो लाफ्टर है उनको पीछे छोड़ते हुए अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंसेस दी है दोस्तों, जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। तो यहाँ पर आर एस शिवाजी हैज रिसेंटली बीन पास्ड अवे, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, तो करेक्ट हो जाएगा वो एक्टर भी थे और कॉमेडियन भी थे, ठीक है। तो ये आपको इधर ध्यान रखना है। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन दोस्तों। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी चीजें, ऐसी डिटेल्स यहाँ पर देते हैं ताकि जो आपको पॉइंट टू पॉइंट हेल्प करे, साथ ही साथ एमसीक्यूज कैसे उस पर प्रिपेयर करते हैं ये भी बात आपको बताते हैं। तो डेली हमारे करंट अफेयर्स की सेशन को फॉलो करने के लिए आप होम सेक्शन पर जा सकते हैं, शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपके नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, और साथ ही साथ लाइव कंटेंट है जहाँ पर आप लाइव अपने फेवरेट फैकल्टीज या फेवरेट सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर जाकर मनचाहे एग्जाम, मनचाहे सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं जो आपकी नॉलेज को और अपलिफ्ट करेंगे। हम ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल है दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आप हसल फ्री अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, और बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि हमारे कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च होते हैं। हम WBCS, SSC, रेलवे और IBPS तीनों की तैयारी यहाँ पर, बैंक एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपका होता है व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट करिए, और मेरे साथ आप लोग डायरेक्टली दोस्तों जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर फॉर ऑल द लिंक्स एंड PDF ऑफ दीज वीडियोज। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।